अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा ब्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। चलिए फिर, मैं आज आप लोगों के सामने आ गई हूँ और सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। और मेरी तरफ से भी आप सभी को खुशनुमा ब्लॉग्स के सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मेरे हस्बैंड भी आए हैं, इनका भी चैनल है सेव्स गुड लाइफ, और इनके भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, और बताइए। बेसिकली मैं जो है ब्लॉगिंग करता हूँ और फूड ब्लॉग्स हो गए, यहाँ पर वहाँ पर घूमना फिरना हो गया, ट्रैवल ब्लॉग्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें और अच्छी चीजें मैं डालता हूँ मेरे चैनल पे। तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करिए। और आज मौका था खुशनुमा के साथ में ईद वाले दिन पर आप लोगों से आकर बात करना, बात ये करनी थी कि बाहर COVID-19 का टाइम चल रहा है, सिचुएशन बहुत ही टाइट है। तो आप सभी लोग जो है आप अपने अपने घरों पर रहें, घर पर रह के ही ईद को सेलिब्रेट करें और बाहर नहीं निकलिए, बिकॉज बाहर सिचुएशन बहुत टाइट है और अपने घर में रह के ही अपने को संभल के रहना है। अपने लव्ड वंस के साथ रहिए घर में, और जो ईद का सेलिब्रेशन है या कोई और भी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है, आप अपने घर वाले लोग के ही साथ सेलिब्रेट करिए। जहाँ तक की कोशिश करिए कि आप लोग घर पे ही रहें। और अब तो टाइम आ गया है टेक्नोलॉजी का, आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आप ऑनलाइन या वर्चुअल सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अभी जो कोरोना वायरस का सेकेंड स्ट्रेन और सेकेंड लहर जो बोलते हैं, सेकेंड वेव आ गई है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे कि यूपी बिहार ये साइड जो है हालात बहुत ही खराब है। इनफैक्ट ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जो है काफी बुरी हालत है। और पब्लिक को अपने घर पे जहाँ रह सके अपने घर पर रहें, और बहुत जरूरी ऐसा कुछ काम पड़े तो ही निकले, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा घर पर बैठकर अपने फैमिली को वाले लोग के साथ बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय करें। और दुआ करिए अल्लाह पाक से कि पिछले साल भी जो हमारा रमज़ान लॉकडाउन में गुजरा और इस साल भी हमारा रमज़ान लॉकडाउन में गुजरा, ईद भी, ईद की नमाज भी नहीं हम अटेंड कर पा रहे हैं, घर पे ही नमाज ईद की पढ़ी जा रही है। और अल्लाह पाक से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से कि हमारे से क्या ऐसी गलती या गुनाह हो गया है जो कि हम दो साल से रमज़ान भी खुलकर नहीं मना पा रहे हैं, ना ही सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। अल्लाह पाक जल्द से जल्द ये जो वबा है इसको दूर करे, ठीक है, और हमारी पहले जैसे लाइफ हो जाए, जैसे हम लोग खुल कर जैसे हमारी लाइफ पहले थी, हम वैसे लाइफ अपनी जीने लगे। और ईद के टाइम वैसे तो हम यहाँ वहाँ अपने रिश्तेदारों रिलेटिव्स के वहाँ घूमना फिरना करते थे, मूवीज वगैरह चले जाते थे और बच्चों को मॉल वगैरह में प्लेइंग के लिए ले जाते थे, मगर अभी ये सब जैसे कि सब थम गया है। अभी पिछले साल से थोड़ा बीच में सही हुआ था, फिर अभी अचानक ऐसे लग रहा हम क्या बोलते हैं पीछे फिर वापस चले गए एक साल पीछे। इनफैक्ट अभी हम लोग ऑलमोस्ट एक साल पीछे वापस है, अपने पिछले मई की तरह ही हो गया पूरा सिचुएशन। तो बस आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप प्लीज घर पर रहिए और अपने घर वालों के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करिए। और बस मैं आप लोगों से आप सभी का शुक्रिया अदा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने खुशनुमा के चैनल खुशनुमा ब्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स को इतना अच्छा प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है। कुछ कुछ वीडियोस तो इनके जो है ऑलमोस्ट 40,000 के ऊपर व्यूज मिल रहे हैं इनके चैनल को, जैसे लौकी का खीर है ऑलमोस्ट 50,000 व्यूज के ऊपर वो क्रॉस हो चुका है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं वो बेल आइकन दबाना नहीं, हाँ, सो दैट आपको आगे फ्यूचर में जितने नोटिफिकेशन है वो मिलते जाए। एंड प्लीज आप जो है ना वीडियोस को पूरा देखा करिए, बिकॉज एक्चुअल में यूट्यूब पर वीडियोस बनाना भले वो रेसिपी हो या डेली ब्लॉगिंग हो, वो इतना डिफिकल्ट टास्क होता है। मैं देखता हूँ कि किस तरीके से खुशनुमा पूरा वो दिन निकालती है एक रेसिपी के पीछे, फिर वीडियो शूटिंग होता है, उसमें एडिटिंग होता है, बहुत टाइम लगता है एंड इट टेक्स एन एफर्ट्स। पहले क्या होता था, जब मेरा चैनल नहीं था तो मैं भी खुशनुमा को टोका करता था कि खुशनुमा इतना टाइम क्या ले, तो फटाफट होना चाहिए। बट एक्चुअली जब मैंने शुरू किया इस चीज को और यूट्यूब पे जब मैंने खुद की वीडियोस बनाना शुरू किया, मैं जब बाहर जाने लगा तो मुझे आई रियलाइज्ड इट
मैं जब जाता हूँ तो मेरे साथ में कैमरामैन होता है, मेरा एडिटर होता है, तो पूरी टीम लेके मैं जाता हूँ। बट कस्टमाइज अलोन घर पर अकेली होती है जिसको ये सब कुछ करना होता है। तो प्लीज आप जो है कस्टमर को सपोर्ट करिए और बस आप अपना प्यार इसी तरीके से उन पर जो है ना देते रहिए। चलिए फिर देखते हैं मेरा आज का जो शेड्यूल है वो कैसे था और मैंने क्या क्या प्रिपरेशन ईद के लिए की थी। चलिए फिर देखते हैं। ये देखिए ये चांद रात का टाइम है, सभी को चांद मुबारक ईद का। और ये देखिए मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन ईद की, और ये मैं रशियन कटलेट बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूँगी रशियन कटलेट का, ठीक है। और ये तैयारी मैं कर रही हूँ रशियन कटलेट की। वैसे तो मैं कीमे का समोसा भी बनाई हूँ, और ये रशियन कटलेट जो है बस मैंने शेप चेंज कर दिया है, सिलेंड्रिकल शेप मैंने बनाया है इस टाइप, और आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने दो आलू भी बॉईल करके कीमे में डाले। अल्लाह माशाल्लाह से हमारे घर के सभी लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जो है नमाज पढ़ा रहे हैं सभी को। और ये देखिए सारे लोग इकट्ठा हैं, मेरे देवर, मेरे ससुर और मेरा बेटा रेहान, और मेरे हस्बैंड जो है नमाज सभी को पढ़ा रहे हैं। और अभी ये सलाम फेरने के बाद अभी देंगे। ये देखिए ये खुतबा दे रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं इनको, और काफ़ी अच्छी इन्होंने नमाज ईद की पढ़ाई। और मेरी अम्मी की आँखों में आंसू आ गया जब ये दुआ करा रहे थे। ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدائن وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الآفات وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رحمان يا رحيم يا كريم يا غفار يا ودود। या अल्लाह ये रमज़ान में जितने लोगों ने रोज़ा रखा या अल्लाह सबके रोज़े को कबूल अता फरमा। या अल्लाह जो इस दुनिया में मोमिन मोमिना थे या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी कबूल अता फरमा। या अल्लाह जिनकी रोज़ी रोटी में तंगी अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में बरकत फंसे अता फरमा। या अल्लाह जिनकी रोज़ी रोटी में बरकत है अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में और बरकत फंसे अता फरमा। या अल्लाह जो इस दुनिया में नमाज करने के बाद अब्बा से गले मिल रहे हैं, ईद मुबारक बोल रहे हैं। और ये देखिए मेरे देवर भी मिल रहे हैं अपने बड़े भाई से ईद मुबारक। और ये देखिए अभी मेरे देवर अब्बा से गले मिल रहे हैं, और रेहान भी अभी आएंगे अपने दादा से गले मिलने के लिए। ये आखिर मोहब्बत भरा त्यौहार है ईद, सभी से मिलते हैं मोहब्बत से, खुलूस से। और ये देखिए रेहान अपने चाचू से गले मिल रहा है, ईद मुबारक कर रहा है। अभी रेहान जाएगा अपने दादी से भी गले मिलेगा, उसकी दादी बहुत खुश होती हैं और रेहान को बहुत बहुत दुआ देती हैं। और ये देखिए रेहान अब गले मिलने के बाद मेरे देवर भी मिल रहे हैं अम्मी से, मेरे शौहर भी आए अम्मी से मिलने के लिए, आप देख सकते हैं। अब इधर ये लोग की नमाज हो गई है तो मैं किचन में थी तो ये आए, तो हम लोग अपने रूम की क्लीनिंग करने के बाद हम बेडशीट बिछाने लगे। एक्चुअली मेरा जो बेड है बहुत ही बड़ा है, अकेले नहीं हो पाता है। और ये देखिए किचन में मैं सेवई बनाकर रेडी रख चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं ये शीरकुरमा मैंने बनाया है आज के दिन। इसकी रेसिपी आप लोगों को कल मिल जाएगी मेरे वीडियो में, शीरकुरमा के ब्लॉग में, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और टेस्टी शीरकुरमा बना था। और मेरी देवरानी ने आज चिकन का सालन बनाया था जो कि बहुत ही यम्मी बना था। और ये देखिए मैंने पुलाव बनाया है, ठीक है। और फिर खाना बनाने के बाद मैं नहाने के बाद ये देखिए मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, मेरा ईद का ड्रेस। आप लोग एक लुक देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो है सेट गले का इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और ये बैंगल सेट इन्होंने मेरे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया, आप देख सकते हैं। यही ड्रेस मैं आज पहनने वाली हूँ ये सारी ज्वेलरी के साथ। और ये देखिए अभी नहाने के बाद कपड़ा पहनने के बाद मैं ये नमाज़ पढ़ रही हूँ, और फिर अभी स्टार्टर की तैयारी मैं कर रही हूँ। ये रशियन कटलेट जो मैंने
चार रात को बनाया था, अब मैं उसको फ्राई कर रही हूँ अंडे और सिवई में डिप करके। आप देख सकते हैं बहुत ही यमी बना था ये, और ये हम खाने पे रखे थे। और और मम्मी क्या टीवी देख रहे हैं? आप अभी लोगों का फोन आया था सबका, सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये देखिए आज क्या क्या बना है हमारे लंच में। ये आप देख सकते हैं चिकन का सालन, ये देवरानी ने बनाई है, ये पुलाव, ये सिविंग, और ये जो है स्टार्टर में रशियन कटलेट बना है, और सैलेड है, ठीक है, और भी चटनी है, सॉस हम रशियन कटलेट खाएंगे, और ये नान सालन के साथ खाने के लिए। चलिए फिर आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खाने, ईद मुबारक। और रेहान कुछ बोलेंगे? यान खाना कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। चाची का सालन है बहुत अच्छा, और रशियन कटलेट भी। रशियन कटलेट मजा आ रहा है खाने में? बहुत मजा आ रहा है। ओके, और फ्रेंड्स मेरी तरफ से कुष्टुमा ब्लॉग्स के सारी फैमिली मेंबर्स को विशिंग ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। COVID-19 का डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो सब अपने अपने घरों पर रहिए और अपने घरों से बैठ के ही जो है ना वर्चुअल सेलिब्रेशन करिए, बाहर मत निकलिए, बहुत जाना आजकल रिस्की है, बिकॉज आपको सभी को पता है सिचुएशन क्या है। तो चलिए मैं अभी सबसे पहले अब खाना खा लेंगे। ऐसे कुष्टुमा बता रहे थे खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये देख लीजिए हमारे दस्तरखान का फाइनल लुक, और ये हमारे लंच में ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कि पुलाव, चिकन का सालन, शीरखुरमा, और आप देख सकते हैं रशियन कटलेट भी है विद सैलेड एंड नान, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था। चलिए फिर मिलते हैं कस्टमर की इसी तरीके से अच्छे रेसिपी और ब्लॉग के साथ में। स्पेशल शेव खुरमा की रेसिपी भी अभी मैं डालने वाली हूँ। वैसे तो आज जो जाएगा वो मेरा ईद ब्लॉग जाएगा, तो आप इसमें थोड़े उसके कुछ सीन देख लोगे, और फिर कल जो है मैं शेव खुरमा का ब्लॉग अपना डालूंगी। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिए, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Stay home, stay safe.